अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माई चैनल कुकिंग विद शैला। आज हम खीर बना रहे हैं 10 kg मिल्क की। तो उसके लिए मैंने ये चावल लिए थे 4 कप, आई थिंक 1 kg होंगे। और ये मैंने टोटा चावल लिए हैं इस तरह के। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। अब हम एक देगची में 2 लीटर पानी लेंगे और जो मैंने चावल पहले से सोख करके रखे थे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब चावल बॉयल होना स्टार्ट हो गए। अब हम इनको अच्छी तरह उतनी देर तक बॉयल करेंगे जब तक गल नहीं जाते। ये हम इसमें 10 से 12 अदद इलायची ऐड करेंगे। ये चावल अब अच्छी तरह गल गए, ये देखें। तो अब हम इसे मिल्क में ऐड करेंगे। ये अब हमने 10 kg मिल्क लिया है और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें जो पहले से राइस बॉईल करे थे वो ऐड कर देंगे। अब राइस डालने के बाद दूध बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको वक्फे, आई थिंक ये 2 आवर्स में रेडी होगी। और हम इसको वक्फे वक्फे से देखते जाएंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। अब ये खीर गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैं इसमें 1/2 kg शुगर ऐड करने लगी हूँ। अगर मुझे कम लगी तो मैं इसके बाद थोड़ी और इसमें ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप और शुगर ऐड करेंगे, मुझे थोड़ी कम लगी है। अब हम इसमें 1 कप किशमिश का ऐड करेंगे। आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे पसंद है इसलिए मैंने कर ली। इससे मज़े का टेस्ट आता है। अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और थिक करेंगे, फिर खीर हमारी रेडी है। ये देखिए खीर के साइड्स पे बबल्स बनना शुरू हो गए, इसका मतलब ये है कि खीर अब रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। जब रेडी है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।